नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24 और मैं हूं यति आपके साथ। एक तरफ बिहार की सियासत दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा खत्म होते ही अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेला है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजने को सोचा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने बिहार की सरकारी सेवकों के लिए भी महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दिया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार इसे लागू कर रही है, लेकिन पिछली दो बैठकों में इस बात पर केवल चर्चा हुई थी और सरकार ने 4% बढ़ाने का फैसला आज कैबिनेट की बैठक में ले लिया है। अब इस पर बुधवार को यानी आज अहम फैसला सुनाया गया है, जहां पर साफ तौर पर नीतीश कैबिनेट ने 4% डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर कुल 40 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि सरकार ने सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिसमें डीए को 42 से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में शामिल आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान के लिए प्रस्तावित करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के कर्मचारियों को काफी दिनों से इस कैबिनेट की बैठक का इंतजार था। दरअसल छठ महापर्व के कारण इस सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी। ऐसी चर्चा थी कि छठ से पहले कर्मचारियों को सरकार तोहफा जरूर देगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं होने के कारण उस पर फैसला नहीं हो पाया था, लिहाजा अब इस एजेंडे पर मोहर लगा दी गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इससे न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा। इसके बाद साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि परिवहन विभाग को भी बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य के 496 प्रखंडों के लोगों को बस खरीदने के लिए अनुदान भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार के कर्मचारियों को काफी दिनों से इन सब चीजों को लेकर इंतजार वो कर रहे थे। इस बीच छठ महापर्व आया, दिवाली आया, जिसे लेकर कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसके बाद कुल 40 प्रस्तावों पर मोहर लगाया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार की तरफ से लिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार ने एक दाव खेला है, जहां उन्होंने जातीय जनगणना का जो डाटा रिलीज किया था उसका हवाला देते हुए कई तरह के आंकड़ों का हवाला दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया है कि जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं नीतीश कुमार ने एक पोस्ट किया, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां इतने कम समय में जाति का जनगणना सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ये दाव खेला है, ये बिहार की सियासत साथ ही देश की सियासत में कितना बदलाव लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। और केंद्र सरकार को नीतीश सरकार की तरफ से जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है, इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लोक आवाज 24। धन्यवाद।